जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में ही उड़ान होती है। सो गाइज, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और आजकल मैं आप लोगों के साथ थॉट बहुत ही ज़्यादा शेयर करने लगी हूँ। तो गाइज, समय हो रहा था अभी 4:30 एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ना वेलकम करना बिल्कुल भूल ही जाता हूँ, डायरेक्ट अपनी वीडियो पे ही आ जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता है। सो गाइज, टाइम हो रहा था अभी 4:30 और अभी मैं ना किचन की क्लीनिंग में थोड़ा सा लग गई हूँ। पिछली वीडियो को जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो लंच वगैरह करने के बाद मैंने ना थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो सुबह से मेरा रूटीन कुछ यूँ था कि मैं जगी और वर्कआउट किया, मैंने नाश्ता बनाया, खाना बनाया, उसके बाद कपड़े धोए, उनको सुखाए, फिर थोड़े देर में रेस्ट कर गई। और रेस्ट करने के बाद मैं सीधा आप लोगों के साथ इवनिंग टाइम में मिल रही हूँ और इवनिंग टाइम में मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। तो गाइज, हमारे पास काम की कमी कभी नहीं होती है, हमें समय अपने लिए निकालना पड़ता है। समय हम लेडीज़ के पास कभी खुद के लिए नहीं होता है, हमें अपने लिए समय निकालना होता है हमेशा से। अगर हम घर का काम करते रहें तो हम अपने लिए समय कभी नहीं निकाल सकते, कभी नहीं। वो क्या होता है ना कि आप 24 घंटा भी काम करोगे ना तो घर का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ ठाने हो, लक्ष्य रखे हो, पूरा करना चाहते हो, तो फिर आपको अपने लिए समय निकालना होगा। चाहे इसके लिए कोई कुछ भी बोले या आपको कुछ भी समझे, बट आपको खुद के लिए समय निकालना होगा। सो गाइस, शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे कुछ कंटेनर साफ़ कर रही हूँ अपने किचन के। हालांकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अभी काम है, घर की सफाई छोटी छोटी बहुत सारी बाकी है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े करके घर की सफाई कर रही हूँ क्योंकि इकट्ठे में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि घर में और भी बहुत सारा काम है जो कि मुझे अकेले ही करना होता है, नाश्ता, खाना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे साथ एक टाइम पे कोई घर से जाने वाला नहीं है, सबकी अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी होती है। तो मुझे अलग अलग शिफ्ट में खाना, नाश्ता, ये सारी चीज़ें बनानी होती है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम को लेकर पाबंद रहती हूँ, नहीं कर पाती हूँ सब चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम बिल्कुल टाइमली ख़त्म करूँ ताकि मैं खुद के लिए समय दे पाती हूँ। क्योंकि मैं वर्कआउट और वॉकिंग, ये दो चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं वर्कआउट 10 मिनट 15 मिनट करती हूँ, लेकिन करती हूँ ज़रूर। और इवनिंग टाइम में जो वॉक होता है ना, वो मेरा कभी गैप नहीं होता है, मैं करती ही करती हूँ। सो गाइज, कंटेनर वगैरह सजा दिया था मैंने, धो दिया था, ये रहा मेरा कुछ किचन का लुक्स। मेरा किचन सबसे फेवरेट प्लेस होता है, मैंने आपको बहुत पहले बताया हुआ था। सो किचन को डेकोरेट करके रखना मुझे बहुत पसंद है। और किस किस को मेरी किचन वीडियो बहुत अच्छे से देखनी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपनी किचन की टूर कराऊँगी। बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है मैंने अपने किचन को। मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं अपने घर को ना बहुत दुल्हन के जैसे सजा के रखूं, क्योंकि जब आप घर में रहते हो ना और घर सुंदर दिखता है तो आपको बहुत सुकून मिलता है। सो गाइज, कंटेनर वगैरह साफ़ करने के बाद हम आ गए थे डी मार्ट, क्योंकि हमारा राशन ख़त्म हो गया था और हम ज़्यादातर राशन डी मार्ट से ही लेते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, हमें बहुत ही चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में सामान मिल जाता है यहाँ से, तो हम ज़्यादातर मार्केटिंग करने के लिए हम यहीं आते हैं। तो ये रहा हमारा शॉपिंग, हमने इतनी सारी शॉपिंग कर रखी है, बॉटल है, कपड़े हैं, राशन है, क्योंकि 2 महीने के बाद तो पहले मैं आई हूँ यहाँ पे, तो ये लोग डीमार्ट तो बिल्कुल आते ही नहीं थे, बस शॉर्टकट अपना काम चला लेते थे। लेकिन चलो, हम आ गए। और यहाँ पे गाइज, मेरे साथ पता ही क्या हुआ, मैं सबसे पहले सेल्फी में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और यहाँ पे मैंने ना कैमरा लगाया और सेट कर रही थी कि मैं कंफर्टेबल आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, या मेरी वीडियो कैसी आ रही है, मैं ये सोच के कैमरे को लगाया था मैंने। लेकिन मुझे लिटरली बिल्कुल पता नहीं था कि ये कैमरा ऑन हो चुका है। मैं अपना एंगल देख रही थी कि कहाँ से कैमरा रखूँ तो अच्छा दिखेगा, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि ये कैमरा ऑन हो चुका है। फिर सडनली मुझे पता चला कि अरे ये तो कैमरा ऑन है, तो फिर मैं ना फटक से अपना मोबाइल हाथ में ले ली और फिर से सेल्फी वीडियो बनाने लग गई। एकदम आइडिया ही नहीं था कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया है और मेरी वीडियो कंटिन्यू है। सो गाइज, हमारा शॉपिंग हो गया कंप्लीट और शॉपिंग करने के बाद हम आ गए हैं सीधा घर। और घर आने के बाद मैं लग गई हूँ सीधा अपने काम में, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना था। और आज मैं खाने में बना रही हूँ सत्तू का पराठा। तो बहुत सारे लोगों को ये जो सत्तू होता है नहीं पता होता है, क्योंकि हमारी वीडियो सभी लोग बिहार से तो नहीं देखते हैं ना,
बहुत कम ही लोग होते हैं जो बिहार से होते हैं, क्योंकि मैं तो बिहार की हूँ तो मैं बिहार के डिश को ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना। तो ये जो सत्तू का पराठा ना, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो यहीं के लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सत्तू के बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। तो ये चना जो होता है ना, ये चने को पीस के जो पाउडर बनता है ना, चने के आटे को हम सत्तू बोलते हैं। तो इस आटे में मैंने प्याज, लहसुन, धनिया, मिर्ची, नींबू, ये सारी चीज़ों को मिला के मिक्स करके उसका मैंने स्टफिंग तैयार किया है। और फिर आटे में हम उस स्टफिंग को भरते हैं और उससे हम रोटियां बनाते हैं। तो इसी बहुत अच्छा लगता है गाइस। हम अपने तरफ सत्तू पराठा, या हम अपने साइड के लैंग्वेज बोले तो हम इसे मकुनी बोलते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने बनाया था बैंगन टमाटर को, टमाटर की चटनी, जिसको मैंने पका के और चॉप कर ली थी। सो गाइस, बाबू डी मार्ट से आने के बाद ना सो गया था और अचानक से रोने लगा। तो अभी जब वो सो के जगता है ना, तो बस उसको गोदी गोदी गोदी, और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैं फिर दोबारा से अगर किचन में आती तो फिर मुझे खाना बनाने का मन ही नहीं करता। तो बस मैंने उसको यहाँ पे मना के रखा हुआ था और मैं यहाँ पे पराठा जल्दी जल्दी सेक रही थी। हालाँकि वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, जल्दी बोल रहा था कि मम्मा नीचे चलिए, वॉकिंग करने का आपका समय हो गया है। बहुत प्यार से बातें करता है, बहुत प्यार से, और चीज़ों को इतने अच्छे से समझता है। तो देखिए, हम हाउसवाइफ की जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा। बच्चे को संभालना, काम करना, खुद के ऊपर समय देना, वर्कआउट करना, अपनी फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि हम महिलाएँ क्या करते हैं ना, हम सबके ऊपर ध्यान देते हैं, सबकी केयर करते हैं, सबके खान पान का पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान कभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो से यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि गाइस, आप अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप शरीर से सही हो ना, तो सभी लोगों को कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप, आपका शरीर साथ नहीं देगा ना, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। और जब लोग ना सबको काम करके देते हैं, तभी सबसे खुशियाँ मिलती हैं। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो सबकी नाराज़गी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आप अपने हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। नाश्ता, खाना, वॉकिंग, वर्कआउट, ये सारी हमारी जो लाइफ की होती है ना, एकदम अहम पार्ट होता है। ये ना करने से ना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पे इशू आता है। मेरे साथ तो बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर मैं वॉकिंग वगैरह ना करूँ तो फिर मेरे साथ ना हेडेच, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत हो जाती है। तो बस वही, हम रोटी वगैरह पकाने के बाद आ गए थे नीचे वॉकिंग करने के लिए, और हमारी सोसाइटी में अच्छा खासा वॉक करने का जगह है। तो मैं यहाँ पे कम से कम 20 से 25 मिनट वॉकिंग कर ही लेती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपना वेट चेक करके दिखाइएगा, तो डियर मैं अपना वेट चेक करके ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मेरे पास वेट मशीन अभी नहीं है घर पे, तो मुझे जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। लेकिन मैं आपको पक्का दिखाऊंगी अपना वेट चेक करके, डे 1 से लेकर डे 30 तक का वेट। तो अभी तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वेट चेक करने वाली मशीन घर पर नहीं है। तो जैसे मैं लेकर आती हूँ अपने घर पर ना, तो मैं हमेशा से ही रेगुलर आपको अपना वेट चेक करके दिखाऊँगी। तब तक के लिए मैं अगर हॉस्पिटल गई या फिर कहीं गई जहाँ वेट चेक होते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइस, रोटी वगैरह बनाने के बाद ना मैं सीधा चली गई थी नीचे, और ऊपर से आने के बाद, नीचे से आने के बाद मैं क्लीन कर रही हूँ अपना किचन, क्योंकि मैं अपना किचन बिना क्लीन किए नहीं सोती हूँ। सुबह सुबह अगर मुझे गंदा किचन मिलता है तो मेरा तबीयत तो वैसे ही ख़राब हो जाता है यार। तो मैं अपने किचन को पूरी तरीके से क्लीन करके सोती हूँ। और आज के लिए वीडियो में तो बस मैं इतना ही शेयर करूंगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था, लगभग 11:30 हो रहे थे,
और अभी तक मैं जगी हूँ, बाबू को मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया हुआ है और अब मैं जाऊँगी सोने। सोने से पहले कम से कम आधा से एक घंटा मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि सबसे खाली टाइम मुझे रात का ही समय मिलता है। और अभी मैं अपनी वीडियो को एडिटिंग करती हूँ, और जो वॉइस ओवर का काम होता है ना गाइज, ये मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि हमारे घर साइड में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। सुबह 8 बजे से जो स्टार्ट होता है ना, शाम के 6 बजे तक बिल्कुल भी बंद ही नहीं होता है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं नहीं कर पाती हूँ वॉइस ओवर, जिसकी वजह से मुझे 12 बजे रात का इंतज़ार करना पड़ता है। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों तक ये वीडियो शेयर करने में मुझे बहुत टाइम लगता है और आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट आ जाता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।